हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर 1 सेट्स करेंगे, सेट्स की एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस कर दें, सो दैट नई वीडियोज आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और इन वीडियोज को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, सो दैट उनकी भी मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व होती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5, क्वेश्चन नंबर 1। लेट u इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, b इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8 एंड c इज इक्वल टू 3, 4, 5, 6। फाइंड a कॉम्प्लीमेंट, b कॉम्प्लीमेंट, A union C complement, A union B complement, A double complement and B minus C complement। हम इसमें complement find करने हैं, ठीक है? तो complement क्या होते हैं? Basically देखो, A complement का मतलब होता है कि A complement that is equal to U minus A, right? मतलब कि वो elements, उन elements का set जो कि U में है, universal set में है, but A के अंदर नहीं है, ठीक है? U माइनस A, ठीक है? U में है हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 माइनस A 1, 2, 3 and 4, राइट? अब हमें U माइनस A निकालना है। U माइनस A का मतलब elements which belongs to U but does not belongs to A, right? So 1, 2, 3, 4 is common in both the sets. Therefore, U minus A is equal to 5, 6, 7, 8 and 9. Clear? Now second part. Second part mein pucha hai B complement. B complement that is equal to U minus B. Clear? Then U is equal to have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 and B hai hamara set 2, 4, 6 and 8, right? Aur hume nikalna hai U minus B, matlab elements which belongs to U but does not belongs to B. Right, 1, then 2 is common, then 3, 4 is common, then 5, 6 is common, then 7, 8 is common, then 9. This is B complement, right? Then third part, A union C complement, theek hai, equal to U minus universal set minus A union C, right? तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम A union C निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें निकालना है A union C, ठीक है? A और C का union, A and C का union, मतलब A है हमारा 1, 2, 3 and 4 union, C में है हमारे elements 3, 4, 5, 6, right? तो ये हमारा बन गया सारे के सारे elements, all the elements of A and C, then 1, 2, 3, 4, 5 and 6, ठीक है? ये हमारा A union C आ गया। अब हमें निकालना था A union C complement, that is U minus A complement, U minus A union C, ठीक है? तो universal set U minus A union C, right? U क्या है हमारा 1 से लेके 9 तक के, U is the set of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 and A union set जो आया है हमारा A union C, that is 1, 2, 3, 4, 5 and 6, clear?
अब हमें निकालना है u माइनस ए यूनियन c, मतलब कि वो एलिमेंट्स जो कि u में है बट a यूनियन c में नहीं है, एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट u बट डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन c. देन दिस इज, देखो ये सारे यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे कॉमन है, ठीक है. तो हमारे पास क्या बचे, 7, 8 एंड 9. क्लियर, ये हमारा आंसर हो गया. देन फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में हमें निकालना है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यू माइनस ए यूनियन बी, ठीक है. तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, देखो इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं. U है हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. एंड A है हमारा, A में है 1, 2, 3 एंड 4. एंड B के अंदर है 2, 4, 6, 8, ठीक है. स्टेप बाय स्टेप करेंगे. स्टेप बाय स्टेप के लिए हमेशा ध्यान रखो कि तुमने पहले यूनियन को सॉल्व करना है, ठीक है. तो ये ऐसा का ऐसा ही आएगा, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. इसका हमें यूनियन निकालना है सारे एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स. देन 1, 2, 3, 4, 6 एंड 8. नाउ A union B complement that is equal to elements which belongs to U but does not belongs to A union B, right? तो हमारे पास आ जाएगा 5, 7 एंड 9. ये हमारा आंसर हो गया A union B complement का, right? इसके बाद हमारा आता है फिफ्थ पार्ट. फिफ्थ पार्ट में हमसे पूछा गया है ए कॉम्प्लीमेंट, देन कॉम्प्लीमेंट मतलब ए डबल कॉम्प्लीमेंट. ए डबल कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, देखो कॉम्प्लीमेंट में हम क्या लिखते हैं, यू माइनस जो बेसिक होता है, ठीक है. तो यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट आ गया ये, ठीक है. और इसको हम अगेन क्या लिख सकते हैं, U माइनस ए कॉम्प्लीमेंट को फिर से हम U माइनस ए लिख सकते हैं, ठीक है. ब्रैकेट ओपन करेंगे तो U माइनस U प्लस A, क्लियर. U से U कैंसिल हो गया तो क्या आ गया हमारे पास, A. तो A डबल कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू होता है A, ठीक है. और A हमारे पास क्या है, A हमारे पास है 1, 2, 3, 4. ये हमारा आ गया ए डबल कॉम्प्लीमेंट का आंसर, ए डबल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है. देन सिक्स्थ पार्ट, बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है. इसके लिए सबसे पहले हम देखो, बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो होगा यू माइनस बी माइनस सी, राइट. अब हम सबसे पहले निकालेंगे बी माइनस सी. बी माइनस सी में बी का सेट, बी में है हमारे 2, 4, 6 एंड 8, माइनस सी में है 3, 4, 5, 6, राइट. बी माइनस सी मतलब द एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू बी बट डज नॉट बिलोंग्स टू सी. देन दिस इज 2 and 8, right? 2 and 8. Now we will find B minus C complement. That is, हमारा formula बना था U minus B minus C, right? Then U is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड
9 एंड B माइनस C सेट आया है हमारा 2 एंड 8 राइट देन दिस इज 1 एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू यू बट डज नॉट बिलोंग्स टू B माइनस C देन दिस इज 2 कॉमन है 1 3 4 5 6 7 8 कॉमन है देन 9 This is the answer. B minus C complement that is equal to 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Right? Next question. Question 2. If U is equal to A, B, C, D, E, F, G, H, find the complements of the following sets. First part, if A is equal to A, B, C, then we have to find A complement. That is equal to U minus A. Right? Means U set of U that is A, B, C, D, E, F, G and H minus set of A that is A, B and C. Then elements which belongs to U but does not belongs to A. So A, B, C are common. Then the elements D, E, F, G and H. Then A complement this is equal to this. This is the answer. Right? Second part, B is equal to D, E, F, G and we have to find B complement that is U minus B, right? Then U is equal to A, B, C, D, E, F, G and H minus B. B complement, B is the D, E, F and G. Then B complement is equal to elements which belongs to U but does not belongs to B. That is A, B, C, D, E, F, G is common in both the sets and H. This is the answer. Right? Third part. C is equal to A, C, E, G. Now we have to find C complement. That is U minus C. And U is the set of A, B, C, D, E, F, G and H. Minus C is the set of A, C, E and G. Then C dash is equal to elements which belongs to U but does not belongs to C. Then these are B, D, F and H. Clear? This is the answer. Then fourth part. D is equal to F, G, H, A and we have to find D complement that is equal to U minus D. U is the set of A, B, C, D, E, F, G and H and D is the set of F, G, H, A. Then U minus D, matlab the elements which belongs to U but does not belongs to D. Then D dash means D complement that is equal to this is A, right? So A is the common. Then B, C, D. A is common, F is common, G is common, H is common. Then B, C, D and
E. This is the answer. Right? Next question, question 3. Taking the set of natural numbers as the universal set, write down the complements of the following set. First part is X such that X is an even natural number, right? And हमें इसका taking the set of natural number, हमें U क्या given है? U हमें जो given है, that is the set X such that set of natural numbers. X belongs to natural number. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. Clear? And इसको हमने let कर लिया कि this is A. A is equal to X such that X is an even natural number. Now we have to find A complement. A complement that is U minus A. Right? Now U is equal to set of natural number, right? And A is equal to set of even natural number. Then U minus A is equal to natural number hai, theek hai? Natural number ko agar hum even number mein divide karte hai, toh dusra kya ban jata hai? Odd, theek hai? तो u minus a क्या आ जाएगा? X such that X is an odd natural number. Clear? This is A complement. Clear? Second part. X such that X is an odd natural number. ठीक है? ये हमने ले लिया B. This is B. और U क्या है हमारे पास? U is the set of natural number. Right? Then we have to find B complement. ठीक है? Then B complement that is equal to U minus B. Clear? U is the set of natural number, B is the set of odd number, then B complement is the set of even number, set of even natural number, right? Then this is right like this, X such that X is an even natural number. Right. Then third part. X such that X is a positive multiple of 3. इसको हम ले लेते हैं C. इस set को हमने ले लिया C. And U is the universal set that is set of natural number. ठीक है हमें पता है ना natural number को हम capital N से denote करते हैं तो हम इसे direct इस तरीके से भी लिख सकते हैं. Now, अब हमें find करना है C complement, that is U minus C, ठीक है? Now, C is the multiple, positive multiple of 3. C is the positive multiple of 3, ठीक है? और natural number के अंदर हमारे सारे number आते हैं. तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे? हम इसे लिखेंगे, C complement is equal to X such that X belongs to N natural number and X is not a positive, X belongs to natural number and X is not a multiple of 3.
देखो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बिकॉज ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि x इज ए नेचुरल नंबर, तो इसलिए पॉजिटिव लिखने की हमें कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक है, लिख भी सकते हो और नहीं लिखना है तो नहीं भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर। ठीक है, इसको हम क्या ले लेते हैं, दिस इज d, d इज इक्वल टू x, x इज ए प्राइम नंबर। ठीक है, एंड u इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, नाउ d कॉम्प्लीमेंट, d कॉम्प्लीमेंट मतलब u माइनस d। ठीक है, नाउ दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड दिस इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, अगर हम सोचेंगे नेचुरल नंबर को हम प्राइम नंबर्स के वे में सोचें तो बचे हुए नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं, बट वन एक ऐसा नंबर होता है जो कि नीदर कंपोजिट नॉर प्राइम। ठीक है, इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना है क्योंकि एन के अंदर, नेचुरल नंबर के अंदर हमारे सारे नंबर्स आते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ठीक है, प्राइम नंबर जो होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो प्राइम नंबर सिर्फ एक टू ऐसा नंबर होता है जो कि इवन नंबर होता है। ठीक है, बाकी सारे ऑड होते हैं। ठीक है, और वन जो होता है, वन जो होता है वो हमारा सिर्फ नेचुरल नंबर कहलाता है, उसको हम ना प्राइम बोलते हैं ना कंपोजिट बोलते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे कि सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, एंड एक्स इज अ पॉजिटिव कंपोजिट नंबर एंड एक्स इज इक्वल टू वन, वन भी इसके अंदर इंक्लूडेड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट, एक्स, एक्स इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5, राइट। इसको हम ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू दिस एंड यू क्या था, यू हमारा था सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, हमें ए कॉम्प्लीमेंट लेना है, ए कॉम्प्लीमेंट दैट इज यू माइनस ए। ठीक है, देखो ए क्या है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5, एक्स इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। ठीक है, तो इट मींस ए कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू एक्स such that x is a natural number that is not divisible by 3 or 5, clear? नेक्स्ट पार्ट, एक्स, एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर।
राइट, इसको हमने लेट कर लिया, लेट दिस इज इक्वल टू ए एंड यू इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, राइट, सॉरी कर्ली ब्रैकेट ऑलवेज, देन ए कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू यू माइनस ए, इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर और इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा दैट इज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, मतलब जस्ट उसका अपोजिट हमने करना होता है, उसको छोड़कर जो बचे हुए होंगे उसका हमें सेट बनाना होता है, ठीक है. नेक्स्ट, x इज ए परफेक्ट क्यूब, जिसे हमने लेट कर लिया दिस इज a, देन a कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू u माइनस a, हम सबको a भी लेट कर सकते हैं, a b c d e f इस तरीके से भी लेट कर सकते हैं, ठीक है. दिस इज द परफेक्ट क्यूब, ठीक है, और u क्या था, u इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, u इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, देन u माइनस a, दीज आर परफेक्ट क्यूब, देन a complement that is equal to x such that x belongs to natural number and x is not a perfect cube. Okay, clear? Next part. लेट कर लेंगे इसको भी, लेट a इज इक्वल टू x सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, ठीक है, इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास है x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, देन x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 8 माइनस 5, मतलब x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 3, तो जो हमारा a सेट बन गया वो क्या बन गया, x सच दैट x इज इक्वल टू 3, ये हमारा सिर्फ सेट बन गया 3, और u क्या है हमारा, u है हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, और हमें निकालना है a कॉम्प्लीमेंट दैट इज u माइनस a, ठीक है, ये नेचुरल नंबर का सेट है और उसमें सिर्फ 3 है, बेसिकली उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ 3 है, तो ये जो सेट बनेगा इसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x is not equal to 3, 3 को छोड़कर बाकी सारों का सेट जो बनेगा वो a कॉम्प्लीमेंट आएगा, राइट. नेक्स्ट पार्ट, x such that 2x plus 5 is equal to 9, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, 2x plus 5 is equal to 9, then 2x is equal to 9 minus 5, it means 2x is equal to 4, then x is equal to 2, it means इसको हमने अगर a लिया तो a जो सेट हुआ that is a such that x is equal to 2, कुछ नहीं था इसमें, मतलब सिर्फ 2 है, या इसको हम simply इस तरीके से भी एक सेट बना सकते हैं बस, ठीक है, और u is the set of natural number, right. Now a complement that is u minus a, right, that is u minus a means x such that x belongs to natural number and x is not equal to 2, 2 को छोड़कर बाकी सारे natural numbers का set, ठीक है. Next question, x such that x is greater than or equal to 7, ठीक है, इसको हमने a लेट कर लिया, दिस इज a एंड u इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, राइट, देन a कॉम्प्लीमेंट दैट इज u माइनस a, ठीक है, ये नेचुरल नंबर है और ये जो नंबर्स हैं वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 है, तो इस सेट में 7 से छोटे नेचुरल नंबर आएंगे, इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं x सच दैट
x belongs to natural number and x is less than 7. Clear? सारे सेट वाइज में पूरा पूरा सेट 7 से छोटा, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 उसका सेट हो गया हमारा ये, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, x such that x belongs to natural number and 2x plus 1 is greater than 10, right? हमारे पास है 2x plus 1 is greater than 10, then 2x is greater than 10 minus 1, then 2x is greater than 9, then x is greater than 9 by 2, ठीक है। तो हमारे पास जो सेट आ गया, इसको हमने जो लेट करा, लेट a is equal to x such that x belongs to n and x is greater than 9 by 2, ये हमारा a सेट बन गया, ठीक है। पहले हमें इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब u क्या था हमारे पास, दैट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अब हमें निकालना है a कॉम्प्लीमेंट, दैट इज u माइनस a, क्लियर। u माइनस a, देखो a is the set of natural number which is greater than 9 by 2, ठीक है, ये हमारा 9 by 2 से greater है, तो ये जो set आएगा वो set आ जाएगा less than 2, less than 9 by 2 और equal to 9 by 2, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x such that x belongs to natural number, ठीक है, and x is less than and equal to 9 by 2, clear। देखो equal to का साइन इसलिए आएगा because यहां पर n by 2, 9 by 2 added नहीं था, यहां पे x is greater than 9 by 2 है, ठीक है। तो इसलिए हम इसके कॉम्प्लीमेंट में x is less than or equal to 9 by 2 लिखेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, इफ u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड a इज इक्वल टू 2 4 6 8 एंड b इज इक्वल टू 2 3 5 7, verify that a union b complement is equal to a complement intersection b complement, clear। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखो सबसे पहले हम निकालेंगे a union b, a union b, a है हमारे पास 2 4 6 and 8, union b है हमारे पास 2 3 5 and 7, ठीक है। दोनों का यूनियन क्या आ जाएगा, सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे सिंगल टाइम्स, 2 3 4 5 6 7 and 8, ये हमारा a यूनियन b आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना है a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसका मतलब u माइनस a यूनियन b, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है u माइनस a यूनियन b, ठीक है। वो एलिमेंट्स जो कि u के अंदर है बट a यूनियन b के अंदर नहीं है, ठीक है। तो u क्या था हमारा, दिस वन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और a यूनियन b क्या है हमारा 2 3 4 5 6 7 8। अब u के अंदर देखो कौन कौन से एलिमेंट्स एक्स्ट्रा हैं, वो यहां आ जाएंगे हमारे, 1 है और 9 है, तो 1 एंड 9 दैट इज a यूनियन
बी कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, ये आ गया हमारा LHS. ठीक है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं. अब हमने इस पार्ट को लेना है. ठीक है, ये हमारा आ गया LHS. अब हमने लेना है A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, इसको निकालना है. तो हमें सबसे पहले A कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा. A कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट का मतलब U माइनस A. ठीक है, U में हमारा U सेट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और A कॉम्प्लीमेंट है 2, 4, 6, 8. तो वो एलिमेंट्स विच आर इन U बट डज नॉट बिलोंग टू A. ठीक है, कौन कौन से आ जाएंगे, 1, 3, 5, 7 एंड 9. ये आ गया हमारा U माइनस A, 1, 3, 5, 7, 9. मतलब कि दिस इज A कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, अब हमें निकालना है B कॉम्प्लीमेंट. B कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट मतलब U माइनस B. ठीक है, U के अंदर थे हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. ठीक है, और B के अंदर थे हमारे 2, 3, 5 एंड 7. ठीक है, तो U माइनस B क्या आ गया हमारे पास, 1, 2, 3 है दोनों में कॉमन, देन 4, 5 है, देन 6, 7 है, देन 8 एंड देन 9. ठीक है, अब हमें क्या निकालना था, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, A कॉम्प्लीमेंट है हमारा 1, 3, 5, 7, 9 और ये हमारा 1, 4, 6, 8, 9. इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब इनके कॉमन एलिमेंट्स, जो इन दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट्स है वो यहां आ जाएंगे. ठीक है, देखो 1 दोनों में कॉमन है, 1 आ गया. ठीक है, यहां भी है 1 और यहां भी है 1. 3 दोनों में नहीं है, 4 भी दोनों में नहीं है, 5 भी दोनों में नहीं है, 7, 7 दोनों में नहीं है, 9 दोनों के अंदर, ये देखो यहां भी है 9 और यहां भी है 9. तो ये आ गया 1 और 9. ये हमारी आ गई सेकेंड इक्वेशन. ठीक है, ये हमारा आर एच एस आ गया. देखो दोनों सेम आ गए. तो देयरफोर A union B complement that is equal to A complement intersection B complement. And this is the property. ठीक है, इसको हम डी मॉर्गन्स लॉ भी बोलते हैं. डी मॉर्गन्स लॉ, राइट, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज डी मॉर्गन्स लॉ. ये दोनों के दोनों इसी की प्रॉपर्टी होती है, डी मॉर्गन्स लॉ की. ठीक है, सेकेंड पार्ट करते हैं. ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. इसको भी हमें प्रूव करना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, A इंटरसेक्शन B. ठीक है, A के अंदर जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो है 2, 4, 6, 8 एंड इंटरसेक्शन, देन B के अंदर है हमारे 2, 3, 5, 7. ठीक है, इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, कॉमन पार्ट्स ऑफ बोथ द सेट्स. ठीक है, कॉमन एलिमेंट्स क्या आ जाएगा हमारा, 2. 2 जो है वो दोनों के अंदर कॉमन है, 2 इज द कॉमन इन बोथ द सेट्स. ठीक है, अब हमें निकालना है A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. इट मींस U माइनस A इंटरसेक्शन B. ठीक है, U क्या था हमारे पास, U इज द 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 एंड A इंटरसेक्शन B है हमारे पास 2. देन A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट
दैट इज इक्वल टू, देखो टू को छोड़कर बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। टू को छोड़कर सारे एलिमेंट्स मतलब क्या क्या आ जाएंगे, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, क्लियर। ये हमारा आ गया LHS, ठीक है। अब ऐसे ही हम ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, मतलब सबसे पहले हमें निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट देखो हमने पहले निकाला भी था, ए कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या आया था, ये रहा। इसी को यहां पर लिख लेते हैं क्योंकि इसी का पार्ट है ये, दोबारा हमें निकालने की जरूरत नहीं है। ए कॉम्प्लीमेंट आया है हमारा 1, 3, 5, 7 and 9 एंड बी कॉम्प्लीमेंट हमारा आया है, बी कॉम्प्लीमेंट क्या आया है, 1, 4, 6, 8, 9। बी कॉम्प्लीमेंट आया है हमारा 1, 4, 6, 8 and 9, ठीक है। अब हमें निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट इन सॉरी हमें निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। मतलब इन दोनों का यूनियन, मतलब सारे एलिमेंट्स यहां लिखने हैं सिंगल टाइम्स, तो 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। ये हमारा आ गई सेकेंड, ये आ गया हमारा RHS। अब देखते हैं, देखो ये हमारा LHS था और ये हमारा RHS था, दोनों में सेम एलिमेंट्स है, तो देयरफोर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज डी मॉर्गन्स लॉ। ये फर्स्ट वाला जो था ये यूनियन के ऊपर था और ये इंटरसेक्शन के ऊपर था, राइट। बहुत ही इजी होता है डी मॉर्गन्स लॉ को यूज लर्न करना। देखो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो ए कॉम्प्लीमेंट और साइन हमारा इंटरसेक्शन की जगह यूनियन आ जाता है एंड बी कॉम्प्लीमेंट, और अगर दूसरा होता तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आता, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होता अगर, तो उसमें क्या होता, ए यूनियन अगर बी कॉम्प्लीमेंट होता है उसको हमें लर्न करना होता है, तो सिंपल होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बहुत ही इजी होते हैं डी मॉर्गन्स लॉ लर्न करने, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 में हमसे पूछा गया है कि ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। हमें वेन डायग्राम बनाने हैं, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का हमें वेन डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो देखो वेन डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि एक रेक्टेंगल बनाते हैं, इसको हम बेसिकली यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं हम इसको, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। इसके अंदर एक सेट बनाएंगे ए, तो एक सर्कल बना देते हैं उसका, और ए यूनियन बी है तो और दूसरा बी बनाएंगे जो कि इसको इंटरसेक्ट करता हुआ कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसको लिख देंगे ये ए है और ये है हमारा बी, ठीक है। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, उसका मतलब होगा U माइनस ए यूनियन B, ठीक है। अब मतलब कि वो पार्ट जो कि A यूनियन B के अंदर नहीं है, ठीक है। A यूनियन B क्या होगा, A और B के सारे एलिमेंट्स, मतलब कि ये सारे एलिमेंट्स, ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो ये पूरा का जो पूरा पार्ट है, मतलब अगर हम यहां समझ लो तुम इस तरीके से, उसके अंदर नहीं समझाते हैं, अलग देखते हैं, तो अगर ये ए है और ये बी है, ठीक है, और हमें ए यूनियन बी निकालना है, तो हम इस पूरे पार्ट को शेड कर देते हैं, पूरे पार्ट को,
ठीक है, तो इट मींस ये पूरा का पूरा पार्ट आ गया, ठीक है, और हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे पार्ट को छोड़कर, इस वाले पार्ट को छोड़कर बचे हुए सारे पार्ट को शेडेड करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा पार्ट आएगा, इस सारे पार्ट को हमने शेडेड करना है, बाहर वाले पार्ट को, अंदर का पार्ट हमने बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। शेड में तुम लाइंस डाल सकते हो, डॉट्स लगा सकते हो, कोई भी कलर भर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जो मन में आए उससे तुम इसको शेड कर सकते हो, बस तुमने ये ध्यान रखना है कि जो ए यूनियन बी वाला पार्ट है वो शेड के अंदर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा जो शेडेड पार्ट है वो हमारा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का पार्ट हो गया, ठीक है। अब हमें बनाना है सेकेंड पार्ट में ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कुछ हम रेक्टेंगल बनाएंगे इसके लिए, ठीक है। ये हमारा हो गया U, ठीक है। इसके लिए हम एक A सेट बनाएंगे, दूसरा B सेट बनाएंगे। ये हमारा A हो गया और ये हो गया हमारा B। अब इसको कुछ इस तरीके से यहां पर समझते हैं, ये हमारा A है, ये हमारा B है, ठीक है। अब ठीक है, A कॉम्प्लीमेंट, सबसे पहले A कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, U माइनस A, U माइनस A, ठीक है। अब ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है, ये U था, ये A था और ये B था, ठीक है। U माइनस A मतलब ये वाला पोर्शन हमारा डॉट आ गए इसके अंदर, ठीक है। यहां ये पूरा का पूरा A को छोड़कर बाकी सारे में डॉट्स आ जाएंगे, ये हमारा U माइनस A हो गया, ठीक है। अब हमें निकालना है B कॉम्प्लीमेंट, दैट इज सॉरी B कॉम्प्लीमेंट B, दैट इज U माइनस B, ठीक है। U माइनस B के लिए क्या हो जाएगा, U माइनस B के लिए यहीं पर हम एक रफ डायग्राम और बनाते हैं, दिस इज A एंड दिस इज B, ठीक है। ये U है, ये A है और ये B है, ठीक है। अब B को छोड़कर बाकी सारे पार्ट्स में हमें शेड करना है, ये वाला पार्ट भी होगा शेड, समझ आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना था, दोनों का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो ए कॉम्प्लीमेंट था हमारा ये वाला पार्ट, ठीक है, और बी कॉम्प्लीमेंट था हमारा ये वाला पार्ट, सॉरी बी कॉम्प्लीमेंट था हमारा, समझ रहे हो ना, ए कॉम्प्लीमेंट में जो शेडेड पार्ट है वो है हमारा, ए कॉम्प्लीमेंट में जो है ये हमारा जो शेडेड पार्ट है वो है हमारा, ठीक है, ये जो शेडेड पार्ट है, और बी कॉम्प्लीमेंट के लिए ये वाला शेडेड पार्ट है, इसमें ये वाला पार्ट भी आ रहा है। अब इनका जो कॉमन पार्ट है, देखो कॉमन पार्ट कौन सा हो गया, जो ए और बी के बाहर का है, जो ए और बी के बाहर का वही कॉमन पार्ट है ना, ये वाला कॉमन पार्ट रह गया ना, ठीक है ना, तो उसको हम सिर्फ शेड करेंगे, मतलब हमारा जो शेड आएगा वो कहां आएगा, वो आएगा यहां यहां, यह हमारा शेड आ जाएगा, ठीक है, समझ आ गया। अगर समझ नहीं आया है तो सिंपल सी चीज है, तुमने डी मॉर्गन्स लॉ
तुमने जो हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ था उसको ध्यान में रखना है, डी मॉर्गन्स लॉ को। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट। अब ए यूनियन बी ये पूरा पार्ट है, उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब बचे हुए पार्ट को हमें शेड कर देना है। अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो तुम डायरेक्टली फॉर्मूला दिमाग में रखना है और शेड कर देना, बस, इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट थर्ड, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसके लिए भी हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे। ये तो हमें वेन डायग्राम में बनाना ही होता है, वेन डायग्राम बनते ही ऐसे हैं। ठीक है, एक ए बनाया, एक बी बनाया, ये यू हो गया, ये हमारा ए हो गया और ये हो गया हमारा बी। ठीक है, अब तुमने ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देखो ए इंटरसेक्शन बी, ये ए है ये बी है, और जब हमें ए इंटरसेक्शन बी बनाना है तो इन दोनों का जो कॉमन पार्ट है ये वाला पार्ट, ये कॉमन हो जाएगा। ठीक है, ये शेड हो जाएगा। अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट बनाना है, इसके कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट लेंगे, मतलब वेन डायग्राम को पूरा करेंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे और इस पार्ट को छोड़कर, जो हमारा शेडेड पार्ट है उसको छोड़कर बचे हुए पार्ट में शेड कर देंगे। इस शेडेड पार्ट को छोड़कर बचे हुए सारे पार्ट में हमारा शेड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो हम किस में शेड करेंगे, देखो इस तरीके से हम इसमें शेड करते चले जाएंगे, इंटरसेक्शन वाले पार्ट को छोड़कर बाहर का पूरा पार्ट शेडेड हो जाएगा। इंटरसेक्शन वाले पार्ट को हम छोड़ देंगे, बाकी सारे को हम शेडेड कर देंगे, सिर्फ इंटरसेक्शन वाले पार्ट को छोड़ना है तुमने। इस तरीके से ये हमारा वेन डायग्राम आ गया ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का। क्लियर, नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, ए इंटरसेक्शन यूनियन, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसके लिए भी हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे, ठीक है, देन ए एंड बी, दिस इज यू, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ठीक है, अब इसको भी तुम इस तरीके से समझो, सबसे पहले हमने निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा हमारा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा हमारा, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के बाकी पोर्शन में हमने शेड करना है, इस तरीके से इस सारे पोर्शन में हमने शेड करना है। ठीक है, और जब हमें बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम किस तरीके से करेंगे, ये यू, यहां भी यू लिख लो, कहीं भी लिख लो ये यू को, ये ए एंड द बी। अब हमें बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो बी वाले पार्ट को छोड़कर बचे हुए सारे पार्ट में हमें शेड करना है। ठीक है, बी को छोड़कर बाकी सारे पार्ट में हमें शेड करना है। अब हम इसको अगर ओवरलैप कर दें, मतलब देखो अब हमारा क्या है, ए यूनियन, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमें निकालना है। यूनियन का मतलब सारा पार्ट जो कॉमन है इन दोनों में। ठीक है, इन दोनों में जो कॉमन है, अब रहता कितना पार्ट है, देखो अगर हम इसको भी, इस वाले पार्ट को भी हम यहां पे शेड कर देते हैं तो देखो ये हो गया शेड,
इसी में शेडिंग कर रही हूँ, डबल शेडिंग, सो दैट आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो क्या पार्ट बचा? सिर्फ ये बीच वाला पार्ट बचा, ठीक है, तो वही हमने करना है। तो फाइनली इसमें हमने क्या करना है, हमने सिर्फ इंटरसेक्शन वाले पार्ट को छोड़कर बाकी पार्ट में शेड करना है। लाइक दिस, बी का भी देखो ये पार्ट कवर हो रहा था, सिर्फ ये बीच वाला पार्ट छोड़ना है, तो सिर्फ हमने बीच वाला पार्ट छोड़ना है, बाकी सारे को हमने शेड कर देना है। इस तरीके से हमारा ये शेडिंग आएगी। देखो ये वाली शेडिंग और इसके पहली वाली शेडिंग दोनों सेम आ रही है, यहां भी सिर्फ बीच वाला पार्ट हो रहा है। तो बेसिकली ये भी हमारा डी मॉर्गन्स लॉ होता है कि ये भी हमारा डी मॉर्गन्स लॉ होता है कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा डी मॉर्गन्स लॉ होता है। इसलिए दोनों का ग्राफ, वेन डायग्राम जो होगा वो दोनों का सेम ही आएगा, अलग तो आएगा नहीं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सिक्स। लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, वॉट इज ए कॉम्प्लीमेंट। तो देखो यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, यू को हम लिखेंगे यू एक्स सच दैट एक्स इज ऑल ट्राइंगल्स। इन अ प्लेन, ठीक है, या एक्स इज ए ट्राइंगल भी लिख सकते हैं हम इसको, किसी भी तरीके से हम इसका सेट बना सकते हैं। देन हमने ए क्या लेना है, ए इफ ए इज अ सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, तो ए क्या हो गया हमारा एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल एंड हैज एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, ठीक है। And now we have to find a complement that is u minus a, ठीक है। देखो u है set of all type of triangles और a है triangles and which have at least one angle different from 60 degree, ठीक है। तो अब सारे triangles में अब अगर हम इस type के triangles को minus कर देते हैं तो क्या बचता है हमारे पास, set of all equilateral triangles आ जाते हैं, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। क्लियर? सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल, क्योंकि अगर देखो जो हमारे पास ट्राइंगल्स होते हैं इक्विलेटरल होता है, आइसोसेलस होता है, ठीक है,
और स्कैलिन होता है, स्कैलिन में तो सारे डिफरेंट ट्राइंगल एंगल्स होते हैं, ठीक है, ऑब्ट्यूज होता है, एक्यूट होता है, उनको सबको छोड़ दो, ठीक है। इक्विलेटरल के अलावा अगर हम आइसोसेलेस बनाते हैं और उसमें अगर एक एंगल अगर हम 60 डिग्री लेते हैं, ठीक है, तो ये दोनों, अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो ये भी 60 डिग्री बन जाता है ऑटोमेटिकली, तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल ही बन जाता है। तो जो हमारे आइसोसेलेस ट्राइंगल होते हैं वो उनमें कोई भी एक एंगल 60 डिग्री नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाता है। इसीलिए जो ए कॉम्प्लीमेंट आएगा दैट इज सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट, राइट। हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, हमें ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। देखो तो इस क्वेश्चन को अगर मैं आप लोगों को वेन डायग्राम से समझाऊं तो ये ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो ये हमारा वेन डायग्राम बनाते हैं हम, यहाँ पर ये U हो गया और ये हो गया हमारा A, ये हो गया हमारा A, ठीक है। A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट, A वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा A, और A कॉम्प्लीमेंट इसके बाहर वाला पार्ट होगा, मतलब कि ये वाला पार्ट होगा, और इन सब इन दोनों का यूनियन, यूनियन मतलब सारा कुछ, तो क्या आ गया, पूरा पूरा पार्ट आ गया, मतलब कि यू यूनिवर्सल सेट। अब आपको इजीली क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सेकंड पार्ट, फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, ठीक है, इसको भी कुछ इसी तरीके से देखते हैं। फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, देखो फाई कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, बेसिकली सबसे पहले समझो फाई कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। फाई क्या होता है, नल सेट, और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। फाई क्या होता है, नल सेट, ठीक है, और उसका जो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा वो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। क्लियर, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब फाई कॉम्प्लीमेंट की जगह हम यहां क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं यू इंटरसेक्शन ए, ठीक है, यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए, ठीक है। अब इसको देखो, बहुत ही सिंपल चीज होती है, वैसे तो ये डायरेक्ट समझ में आना चाहिए कि इसका आंसर ए होगा, पर कैसे आया ये समझा देते हैं आपको। ये यू है, ये ए है, ये पूरा का पूरा पार्ट यू है और ये ए है, दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब ये वाला पार्ट कॉमन है ना, तो इसमें शेड होगा ना, ठीक है। मैं तुम्हारे साथ के साथ इनके वेन डायग्राम भी सिखा रही हूँ कि वेन डायग्राम इनके किस तरीके से बनेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया इसका, यू इंटरसेक्शन ए, ए। देखो वेन डायग्राम जो होता है वो सेट्स को इजी बना देता है, तो वेन डायग्राम सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले हमने फाई कॉम्प्लीमेंट निकाला, फाई मतलब नल सेट, उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरा यूनिवर्सल सेट, तो दैट इज इक्वल टू यू। अब यू के साथ इंटरसेक्शन ऑफ ए निकालना है, तो हमने यूनिवर्सल सेट बनाया और ए बनाया और उसका इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट, उसको शेड कर दिया, इट मीन्स आंसर क्या आ गया, ए के इक्वल आ गया, क्लियर, ठीक है। अब आता है हमारा थर्ड पार्ट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अब देखो इसको भी तुम इसी तरीके से समझो, वेन डायग्राम से बहुत ही इजीली समझ में आ जाते हैं। ये हमारा यू है और ये हमारा ए है, ठीक है, ए ए है हमारा ये, तो ए और ए इंटरसेक्शन, वो सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, ए हमारा ये वाला पार्ट है, ये हमारा ए वाला पार्ट आ गया। अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट दैट इज यू माइनस ए, मतलब कि इसके बाहर वाला पार्ट, इसके बाहर वाला पार्ट, इसके बाहर वाले पार्ट के लिए हम, इसके बाहर वाले पार्ट मतलब ए कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या करेंगे, ए को छोड़ के बचे हुए पार्ट में हम शेड करेंगे दिस वन। साथ के साथ आप लोगों को अच्छे से ये वेन डायग्राम भी समझ में आ जाएंगे।
ये आ गया हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। अब हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन, जो इन दोनों में, इस शेड में और इस वाले शेड में जो कॉमन पार्ट है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ कॉमन पार्ट है नहीं है, ए हमारा अंदर वाला पार्ट है और ए कॉम्प्लीमेंट बाहर वाला पार्ट है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये क्या आ गया हमारा, फाइव। तो ये आ गया हमारा फाइव, ठीक है, क्या आ गया ये हमारा फाइव, नल सेट, नल सेट किसके इक्वल हो गया, ये नल सेट के, ठीक है, फाइव कुछ इस तरीके से बनेगा, थोड़ा गड़बड़ बन गया इस तरीके से, ठीक है, नल सेट, या ठीक है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट, यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, ठीक है, यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, कुछ इस तरीके से समझो, दिस इज यू एंड दिस इज ए। अब यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट के अलावा जो भी है, अब यूनिवर्सल सेट के अलावा क्या है यहां पर, कुछ भी नहीं, तो वो तो यू कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू फाइव, ठीक है, दैट इज इक्वल टू फाइव। एंड ए, ए कौन सा पार्ट है हमारा, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब फाइव का इस ए के साथ इंटरसेक्शन, मतलब ये ही पार्ट आ जाएगा ना, नो, इंटरसेक्शन का मतलब फाइव, नल सेट, नल के साथ ए का जो इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन पार्ट, कुछ भी नहीं है भाई, देखो कुछ भी नहीं है, U इंटरसेक्शन क्या था, फाइव, ठीक है, ओ सॉरी, U, हाँ, U कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू फाइव था, ठीक है, और U कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A हमें निकालना है, ठीक है, U इंटरसेक्शन मतलब कि फाइव, फाइव का इंटरसेक्शन A के साथ, अब फाइव का इंटरसेक्शन तो फाइव होगा ना, दैट इज इक्वल टू फाइव ना, कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं होगा ना, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, फाइव। लेकिन अगर यहाँ पे हमारा अगर क्वेश्चन होता कि U कॉम्प्लीमेंट यूनियन A, इसका मतलब क्या हो जाता, इसका मतलब हो जाता फाइ यूनियन A, ठीक है, फाइ यूनियन A का मतलब ये वाला पार्ट आ जाता, तो हमारा आंसर क्या आ जाता, A, तब हमारा आंसर क्या आ जाता, A, तब ये वाला पार्ट होता। तो इस तरीके से तुम लोगों को सारी चीजें समझनी बहुत ही जरूरी है, ठीक है। आशा है कि आप लोगों को ये इंटरसेक्शन और ये फाइव वाली सारी कहानी, वेन डायग्राम अच्छे से समझ आ गए होंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन आइकन को पुश कर दें, सो दैट मेरी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ऑल द बेस्ट।